आतंकवादी कान खोल के सुन ले, ये देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ, हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह, मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पीएम मोदी का, इंडिया के मोदी का आपने एक बयान अभी सुना, कहते हैं कि आओ हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। पीक पे, क्लाइमेक्स पे अपनी स्पीच को ले जाकर एकदम से यू टर्न ले लिया। कहते हैं जंग लड़नी है तो लड़ते हैं गुर्बत को खत्म करने की। तो नरेंद्र मोदी साहब को जरा ये भी याद दिला दिया जाए कि जंग लड़नी है अगर गुर्बत खत्म करने की, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि अभी वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या आई। वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट नाज़रीन ये कहती है कि पाकिस्तान में खतरे गुर्बत से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद 8.3% है और भारत के अंदर खतरे गुर्बत से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद 21.3% है। यानी पाकिस्तान से 2.5 गुना ज्यादा ये फीसद ज्यादा तादाद है जो कि इंडिया के अंदर खतरे गुर्बत से नीचे रह रही है। नरेंद्र मोदी ने बात तो सही कही कि गुर्बत को खत्म करने की जंग लड़ते हैं क्योंकि यही पॉजिटिव तरीका होगा, लेकिन फिर अगर गुर्बत से जंग लड़नी है तो इतनी इश्तेहाल अंगेजी क्यों नरेंद्र मोदी? ये बताइएगा कि आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ क्यों बोलने लगे, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं डॉक्टर हसन अस्करी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं जफर हिलाली साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच हिलाली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी। कुछ स्पीच और स्पीच के बाद के रिएक्शंस हमारे सामने आ रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी का सबसे पहले तो ये कहना कि गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ते हैं, आओ हम जंग लड़ने को तैयार है, पहले ये कहना, यानी एक पैगाम ढके छुपे अल्फाज में दे देना कि एक्चुअल मिलिट्री जंग के लिए भी हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पावर्टी की बात कर देना और पावर्टी के फिर ये फिगर्स आ जाना, डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं आप? सबसे बड़ा चैलेंज तो नरेंद्र मोदी के लिए अपने लिए नहीं है क्या ये? देखिए, उनकी तकरीर में तजादात हैं। एक तरफ वो पाकिस्तान के मुतल्लिक सख्त किस्म के बयान दिए उसी तकरीर के अंदर, जिस तकरीर के अंदर उन्होंने गुर्बत के खिलाफ लड़ने की बात की, बच्चों की तालीम की बात की, सेहत की सहूलतें बढ़ाने की बात की, उसी में अगर आप शुरू में देखें जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए अंदाज अपनाया और जो बाद में बातें कहीं, उनमें तजाद है। वजह उसकी ये है कि वो दो किस्म के ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। एक तो वही है जो उनके यहाँ इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें हैं जो कि उनका सबसे बड़ा सपोर्ट बेस है, जिसको हम आरएसएस, बजरंग दल और बहुत सी ऐसी तंजीमें वहाँ पे मौजूद हैं, उनको खुश करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना ज़रूरी है, लिहाजा वो बोले आइसोलेट करेंगे, हम टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करेंगे। लेकिन जब उन्होंने ये गुफ्तगू की कि गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ें तो उसके कई मोटिवेशन थे। पहले तो ये है कि ये तकरीर उन्होंने जो थी केरला में की, सही, और हिंदुस्तान की रियासतों में केरला का लिटरेसी रेट भी हाई है, और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर देखें तो केरला बहुत सी स्टेट से हमें बेहतर नज़र आता है, लिहाजा वहाँ का ऑडियंस है। लेकिन इससे अहम बात यह है कि इस तकरीर से एक दिन पहले अमरीका ने और बरतानिया की तरफ से जो बयान जारी हुआ उसमें कहा गया कि इस किस्म की गुफ्तगू के बजाय इंडिया पाकिस्तान जो है आपस में बातचीत करके मामलात को बेहतर करें, लिहाजा वो एक उस ऑडियंस को भी, मगरिब वालों को भी, बरतानिया को भी, अमेरिका को भी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो तो इंसानी फलाह, इंसानी बहबूद के कायल हैं और उसी लिए जो है मिलकर काम करना चाहते हैं। अगर उन्होंने गरीबों गुर्बत के खिलाफ लड़ना है तो भाई कश्मीर में क्या आप कर रहे हैं? क्या गोलियाँ चला के आप गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं? हाँ, गोलियां चला के गरीब को तो ख़त्म कर सकते हैं, गुर्बत ख़त्म नहीं होती। शायद यही फॉर्मूला है डॉक्टर साहब, गरीब को ख़त्म कर दो, गुर्बत ही ख़त्म हो जाएगी। वो खतः गुर्बत के अंदर जो इतने सारे अफराद जो खतः गुर्बत से नीचे रह रहे हैं उनको ख़त्म करने का उनके पास, मोदी के पास शायद यही तरीका है। हिलाली साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊँगी। आइसोलेशन की बात भी की नरेंद्र मोदी ने, कहते हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे ग्लोबली, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट। वो उनका एक चैनल है टाइम्स नाउ इंडिया का, वो भी यही चीजें चला रहा होता है जी, पाकिस्तान आइसोलेशन बिगेंस, रशिया ने जी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने से मना कर दिया। वो तमाम चीजें झूठी हो गई। आइसोलेट कैसे करेंगे जबकि आज पूरी दुनिया कश्मीर के ऊपर बोल रही है? आज ओआईसी और बैन की मून के दरमियान भी जो है मुलाकातें हुई यूएन के सेक्रेटरी जनरल, तो आप समझते हैं ये आइसोलेशन में कामयाब हो पाएंगे?
पहले तो शाजिया अनिका, मैं समझता हूँ कि जिस चैनल का आपने नाम लिया वो चैनल नहीं है, मैंने उनको मुंह पे कहा है, वो एक लिंच मॉब है, लिंच मॉब, पाकिस्तान का लिंच मॉब है, और गोस्वामी जो है वो हैंगिंग जज है, तो उसको मेरे ख्याल में कोई तवज्जो उनको नहीं देना चाहिए, इसलिए कि जब उनको एक लिंच मॉब और एक हैंगिंग जज की बातें आप सुनते हैं तो आपका अपना फोकस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपने कहा आइसोलेशन, अच्छा चलिए इस वक्त माने ये 10 दिन में इंडोनेशिया, श्रीलंका और नेपाल ने हमें बताया है कि हमें बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं हमारे साथ, क्लोजर रिलेशंस विद पाकिस्तान, हमारे ताल्लुकात वो इतने अच्छे हैं मगर उससे भी ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं। रूस तो हमें सिग्नल कर दिया है 200-300 ट्रूप्स भेज के कि वो हमारे साथ एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन चाहिए। ईरान का प्रेसिडेंट जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मिला तो उसने कहा कि वी कंसिडर ईरान की सिक्योरिटी एज वी कंसिडर पाकिस्तान सिक्योरिटी एज इंपॉर्टेंट एज ईरान। अब उससे ज्यादा वो क्या आपको कह सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने कह दिया है कि तो इंडिया को 2-3 दफे कहा है कि भाई सेटल करो और ये पागलों की बातें मत करो, जंग वंग, और साथ साथ मैकेन ने कहा है कि ये जो टेरर लेजिस्लेशन, ये इंडियन लॉबी के 2-4 लोग हैं, वो रोर बैकर और एक और आदमी है स्किन, वो जो पैसे लेके इनको ये चलाते हैं इंडिया लॉबी को, जैसे इजरायली लॉबी चलती है उधर, उनको कहा है, मैकेन ने कहा है इनको, नवाज शरीफ साहब को, कि फिक्र मत करो, दे डोंट हैव द वोट्स टू पास द लेजिस्लेशन अगेंस्ट टेरर, डिक्लेयरिंग पाकिस्तान अ टेरर स्टेट, और अगर बाय सम मिरेकल वो हो गया, वीटो कर देगा ओबामा, तो उस तरफ से भी हमें रीअश्योरेंस मिले। ब्रिटिश का आर्मी चीफ अभी आके गया है, वो कहता है जबरदस्त आपकी लड़ाई हो रही है। तुर्की का तो आर्मी चीफ आके कहा है कि भाई हमारी फौज तुम्हारी फौज और जो आप चाहते हो ये करो। तो ये किस किस्म की आइसोलेशन हिंदुस्तान हमारी कराएगा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन तो अभी जाके सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ओआईसी ने जाके सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन को कहा है कि कुछ करो तो सही, और हमें पता है नवाज शरीफ साहब ने खुद हमें बताया है कि चेहरा जो था बैंक की मून का, जब उसने वो जो पैलेट्स के और अंधे लोगों का चेहरा और पैलेट्स के जो जख्म देखा, क्या कहने लगा कि ही वॉज विजिबली मूव। तो छोड़िए, नो क्वेश्चन अबाउट आइसोलेशन। मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस शो जी असल में हलाली साहब, ऐसा लगता है कि उन्होंने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ख्वाहिशात की एक फहरिस्त बना ली है, और ऐसी ख्वाहिशात जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपने वजाहत की है, पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हो रहा, पाकिस्तान को सपोर्ट हासिल हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की ज़रूरियात की वजह से मोदी साहब ने पाकिस्तान बैशिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है? जी हिलाली साहब, साहब बिल्कुल, आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड द क्वेश्चन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं 2 मिनट से जल्दी से एक एक्सप्लेनेशन दूं, देखिए माफ करिए, मैं भी नहीं मानता था कि हिंदुस्तान ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन माउंट करके अपने 18 लोग मार दिए। देखिए दैट डजंट मेक टू मच सेंस। अगर आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं तो कितने अपने लोगों को मारते हैं, जितने कम से कम मारना चाहिए टू अचीव योर पर्पस, 18 लोगों को, 18 जवानों को मारने का, सो आई वॉज कंफ्यूज देयर। साथ साथ मुझे इट मेड नो सेंस टू मी कि पाकिस्तान खुद डाइवर्ट करने की कोशिश करे। बाबरिज्म जो कश्मीर में हुआ है और जो सुनहरी मौका हमें मिला है पूरे दुनिया को बताने कि यार देखो ये हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं कश्मीर में, हम भी क्यों अटैक करें जाके डाइवर्ट करना, तो फिर व्हाट इज द की। और द की आई फाउंड इन आर्टिकल रिटन बाय रिटायर्ड पाकिस्तानी ब्रिगेडियर। देखिए फैक्ट है, पूंछ में, विच इज अ वादी नेक्स्ट टू उरी, पूंछ में एक एग्जैक्टली द सेम अटैक हुआ था कुछ दिन पहले, किधर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के नजदीक एक दफ्तर में। 3 दिन लगे अमरीका इंडियन फोर्सेस को वो 3 मिलिटेंट्स, कश्मीरी मिलिटेंट्स को क्लियर करने के लिए, और 5 दिन बाद आइडेंटिकल अटैक ये हुआ है उरी में। इसका मतलब ये है कि किया है मिलिटेंट्स ने, उन्होंने और मुजाहिदीन ने, उन्होंने बदला लिया है जो ये कर रहे हैं,
मगर किया है उन्होंने और दो टू अदर रीजंस क्यों उन्होंने ही किया होगा नोबडी फ्रॉम पाकिस्तान क्यों कमाल कर रहे हैं जी दो फेंसेस हैं एक फेंस नहीं है दो फेंसेस हैं लेजर्स हैं पेट्रोलिंग है कुत्ते हैं डॉग्स हैं साढ़े चार पाकिस्तानी अनडिटेक्टेड इस फेंस के थ्रू आ गए साढ़े दस किलोमीटर गए और 18 लोगों को मार दिया और इंडियंस को कुछ पता ही नहीं था नॉनसेंस हुआ यह है कि उनकी बिल्कुल सिक्योरिटी वॉज वेरी बैड और इस ये इस तरीके से हुआ है तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वी मस्ट डिमांड एन इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान ने भलाली साहब पाकिस्तान ने ये डिमांड की है की इस वाकये की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोई इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल अदारा करे और वजह उसकी वही है जो आपने यहाँ बता दिया और जब हिंदुस्तान ये कहता है और बार बार कहता है कि पाकिस्तान से जो है लोग दाखिल होते हैं तो ये तो उनकी अपनी नालायकी को एडमिट करना है क्योंकि जैसा आपने कहा और हम सब जानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतना बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया ने लगाया है बाड़ें जो लगी हैं या उसके अलावा जो सर्वेलेंस सिस्टम वहाँ लगा हुआ है जो नो गो एरिया कुछ बनाया गया है वो हिंदुस्तान ने बनाया है अगर इसके बावजूद भी वो ये आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं कि जी चार आदमी यानी उन्होंने गिनती भी कर ली उनको पकड़ नहीं सके लेकिन गिनती कर ली डॉक्टर साहब एक घंटे के बाद ही पता चल गया कि चार आदमी है और ऐसा ही हुआ करता है और ये पुरानी बात हो गई अब तो और एक और बात जी हिलाली साहब मैं दूसरे टॉपिक पर चलूंगी फिर डिस्कस कर लेते हैं इसी को जी हाँ मगर एक और लेट मी फिनिश बाय सेइंग ये चार मिलिटेंट्स को दफन भी कर दिया हालांकि ये चार महीने तो दूसरे लाशें उन्होंने रखा था इनको तो चार दिन में दफन भी कर दिया क्यों कहने की बात ये है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन्वेस्टिगेशन ना करे देखिए इट इज इररिस्पॉन्सिबल ऑफ द यूएन इफ दे फेल टू एक्सीड टू आवर रिक्वेस्ट बिकॉज इसका मतलब है कोई भी कुछ करके जंग शुरू कर सकता है भाई और यूक्रेन वो भी शुरू हो सकता है उन्हें बेसलेस एलिगेशन तो यूएन क्यों है इंडिया के इस केयरलेस बिहेवियर को आलमी बरादरी को देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी आखिर अपनी सियासत चमकाने के लिए अपने मुल्क की सिक्योरिटी को दांव पे क्यों लगा रहे हैं और ये हम नहीं कह रहे ये अपने वहां के पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं कि खुद एहतसाबी की जरूरत है पाकिस्तान से जंग करके अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है ये बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर बातें हुई और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस नहीं बल्कि वहां की सिख बरादरी भी अब उठ खड़ी हुई है जिनके खिलाफ मजालिम ढाए जाते हैं भारत के अंदर जिसकी वजह से खालिस्तान मूवमेंट जो है वो आज भी चल रही है और 67 और आजादी की मूवमेंट है अभी अमरजीत सिंह हैं एक खालिस्तान मूवमेंट के लीडर हैं वॉशिंगटन के अंदर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान मदद करे तो भारत से अलहदगी की ये मूवमेंट कामयाब हो सकती है खालिस्तान मूवमेंट जो है और इसको कोई नहीं रोक सकता नरेंद्र मोदी ने ये खुद फॉल्स फ्लैग मिशन करवाया उनका ये भी कहना था डॉक्टर हसन अस्करी साहब ये अपने घर के अंदर अगर वो झांके 67 ऐसी मूवमेंट्स हैं जहां आजादी के लिए लोग लड़ रहे हैं लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर मजालिम मुसलमानों को देख लें उधर सिखों को देख लें उधर दलित्स को देख लें कश्मीरियों को देख लें उनके साथ क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं तो फिर किस मुंह से बलोचिस्तान की बात करते हैं नरेंद्र मोदी देखिए यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है और तजाद है जिसका हमने अभी तस्करा किया कि एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर अपने अंदरूनी मामलात और मसाइल काफ़ी पेचीदा हैं इतनी पापुलेशन है तो लिहाजा उन मसाइल को एड्रेस करना किसी भी हुकूमत की तरजीह होना चाहिए गुरबत इफलास तालीम की कमी ये वो चैलेंजेस हैं जो इस इलाके के तमाम ममालिक को हैं और उधर ही इन ममालिक को तवज्जो देनी चाहिए लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उस तरफ तवज्जो देने की बजाय या उन बातों से तवज्जो हटाने के लिए फोकस जो है पाकिस्तान बैशिंग के ऊपर है अभी आपने खालिस्तान तहरीक का जिक्र किया खालिस्तान तहरीक भी वो एक रद्द अमल है जो वक्तन फोक्तन हिंदुस्तान की स्टेट ने सिख कम्युनिटी पे जो ज्यादतियाँ की जो तशद्दुद का इस्तेमाल किया अब तक सिख कम्युनिटी जो है उस तशद्दुद को नहीं भूल सकी जो दो दफ़ा 1984 के अंदर हुआ जून 1984 में उनके गोल्डन टेंपल जो है उस पर अटैक हुआ उसको नुकसान पहुंचा अकाल तख्त को भी नुकसान पहुंचा जो बड़े सेक्रेड मुकामात हैं सिख कम्युनिटी के फिर उसी साल जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ 31 जनवरी 1984 को उसके बाद दिल्ली में
सिखों के खिलाफ जो तशद्दुद हुआ है, जो राइट्स हुए हैं, वो अल्लाह की पनाह, और उसको बमुश्किल स्टेट ने चंद दिनों में काबू किया। और वहाँ हाल ये था 31 अक्टूबर की इंदिरा गांधी की हलाकत के बाद कि अगर फ़र्ज़ कीजिए चार दुकानें हैं, उनमें से एक दुकान सिख की है, तो तीन दुकानें बच गई हैं और वो एक दुकान को आग लगा दी गई। टारगेटेड एक्शन हुआ है और जिसको हुकूमत इंडिया ने एडमिट किया है, अगरचे उसका तज़करा करना जो है वो नहीं चाहते, लेकिन सिख कम्युनिटी को तो उस तशद्दुद का, उस जुल्म का एहसास है जो उनके साथ वक्तन फवक्तन होता रहा। अस्करी साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे ना, कि अगर ये सब हुआ है सिक्स पे और वाकई हुआ है 2000-3000 सिख एक दिन में 1984 में मारे गए और उन्होंने बदला भी लिया इंदिरा गांधी के खिलाफ, मगर जिस किस्म की बर्बरियत उनके खिलाफ हिंदुओं ने इस्तेमाल किया है इंडियन आर्मी का, मैं तो हैरान हूँ कि फिर भी ये सिख उसके लिए लड़ रहे हैं, उसी फौज के लिए लड़ रहे हैं, उसी मुल्क के लिए लड़ रहे हैं और जान दे रहे हैं, ये क्या वजह हो सकता है? जी बिल्कुल, आपकी बात मतलब है मुसलमानों को ज्यादा नफरत है। जी असल में बात यह है कि जो ये 1984 जून 1984 में जब हमला हुआ, फौजी एक्शन हुआ गोल्डन टेंपल और अकाल तख्त पे, जिस पे संत भिंडरांवाला भी जो है उसमें जो है हलाक हुए, तो उस ज़माने से ये तजादात जो हैं हमें ज़्यादा वाजे नज़र आते हैं। अगर आप चले जाएं पार्टीशन के वक्त भी चले जाएं, यानी जब इंडिपेंडेंस मिलती है इंडिया पाकिस्तान को, उस वक्त भी ये इशू मौजूद था और उस वक्त कायद आज़म ने जो है सिखों को ये ऑफ़र किया था कि वो पाकिस्तान में रहें, क्योंकि कायदे आज़म नहीं चाहते थे कि पंजाब की तकसीम हो, जिस तरह वो बंगाल की भी तकसीम के हक में नहीं थे। तो पंजाब की तकसीम इसलिए हुई कि जो नॉन मुस्लिम और जिसमें हिंदू और सिख मेंबरान थे पंजाब असेंबली के उस वक्त के, उन्होंने वोट दे के सेपरेशन या पार्टीशन की बात की, जबकि मुसलमान मेंबरान जो पंजाब असेंबली के थे 1947 में जब वोट पड़ा तो उन्होंने पूरे पंजाब को पाकिस्तान में शामिल करने की बात की थी। उस वक्त सिखों के लीडर मास्टर तारा सिंह ने हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला किया और वो एक ऐसी गलती थी, आज तक वो वही भुगत रहे हैं। अच्छा हिलाली साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, क्या जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बार बार बलूचिस्तान की बात करता है, बार बार बरहम दागुटी की बात करते हैं वहाँ के पॉलिटिशियंस, वहाँ के लोग, हमें भी क्या इस चीज को उजागर करना चाहिए? हम भी क्या बात करें खालिस्तान मूवमेंट की, हम भी क्या बात करें गुजरात के अंदर जो हुआ, हम भी क्या आलमी बरादरी के अंदर ये बताएं कि हम लोग भी इसी तरह के फिर एक्शन लेंगे जिस तरह के इंडिया ले रहे हैं? अनिका बिल्कुल हमें करना चाहिए, दो बातें वेरी क्विकली। नंबर वन, बरामदाद बुख्ती ने इनसे पॉलिटिकल असाइलम और नेशनलिटी मांगी है और उन्होंने ना नहीं किया है। मैं तो ठहर रहा हूँ कि उसको नेशनलिटी इंडिया दे, एक दफे इंडिया उसको नेशनलिटी दे, और मैं नहीं समझता देंगे, मगर अगर दे दिया उन्होंने तो फिर ये हमें भी खुली छुट्टी कि एवरी एंटी इंडियन को भी हम नेशनैलिटी दे सकते हैं, और उसको ना सिर्फ पॉलिटिकल, मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट बट फाइनेंशियल और मटेरियल सपोर्ट भी हमें देना, हम दे सकेंगे। इसलिए मोदी ने तो अनाउंस कर दिया है कि हम बलूचिस्तान को रहा करेंगे, हम बल्तिस्तान को रहा करेंगे। ये आदमी, आपने अगर उसकी तकरीर देखी थी कराला में, पानी अपने मुंह में भी डाल रहा था, अपने ऊपर भी डाल रहा था, ही सीम्स टू बी अ रैटल्ड मैन। और देखिए दूसरी बात जो अस्करी साहब का, लाइक हिज कमेंट ऑन इट, अस्करी साहब इसने कहा है कि हम पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट करेंगे और एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया हुआ है रिगार्डिंग द इंडस वाटर्स, और दूसरा ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान वाजे कर देना चाहिए, अगर आप हमारा पानी रोके इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द ट्रीटी, ये हम वर्ल्ड कोर्ट सिर्फ नहीं भागेंगे, हम पहले आपका डैम जो आप बना रहे हैं उसको खत्म करेंगे, वी विल बॉम्ब यू, और अगर आप इकोनॉमिक ब्लॉकेड और पोर्ट्स के ऊपर कुछ करेंगे फिर भी जंग होगा। कहने की बात यह है देयर आर सम रेड लाइंस जो बड़े क्लियर होना चाहिए, राइट, और इंटरनेशनल वायदों का पास रखना चाहिए। अच्छा अस्करी साहब, वहां के अपने पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं कि लगता है मोदी ने इलेक्शंस बाकी जमातों से नहीं लड़ना, पाकिस्तान से लड़ना है, तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि वहां के अपने लोग जिनमें सैनिटी प्रिवेल करती है वो नरेंद्र मोदी को अब पागल या इस तरह का शख्स कह रहे हैं जो कि थोड़ा क्रेजी माइंडेड हो। देखिए वहां भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे सियासी अनासर मौजूद हैं, खासकर सेंटर और लेफ्ट ऑफ द सेंटर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज हैं और दूसरी पार्टीज हैं,
जो ये समझती हैं कि इंडिया पाकिस्तान के साथ टेम्परेचर को इतना ऊपर रखने से जो है वो दोनों मुल्कों का, खासकर हिंदुस्तान का अपना जो है वो नुकसान है, हिंदुस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं, आम आदमी की जो मुश्किलात हैं उनको एड्रेस करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर भी ये तनकीद बड़ी वाज़े तौर पर मौजूद है, और ये पार्टियाँ जो हिज़्ब मुखालिफ में हैं वो ये कह रही हैं कि मसाइल को एड्रेस कीजिए, इस किस्म के प्रोपेगेंडे में ना जाइए। जहाँ तक अभी हलाली साहब ने बात की है इंडस वाटर ट्रीटी की, जो 1960 में इंडिया पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, और तमाम माहिदों की निस्बत ये माहिदा बेहतर तरीके से चलता रहा है, मुश्किलात के बावजूद, झगड़ों के बावजूद। अगर हिंदुस्तान इसको कैंसिल करेगा, यकतरफा कैंसिल करेगा, तो हिंदुस्तान के अपने इंटरनेशनल लेवल पे मसाइल हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को किस तरह आप कन्विंस करेंगे कि एक यकतरफा आप इस किस्म की कार्रवाई करना चाहते हैं। सही, ठीक है, यकतरफा कार्रवाई की बात आएगी वो तो तब की तब देखी, लेकिन एट द सेम टाइम भारत का ये जंगी जुनून सर चढ़ के बोल रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए, लेकिन बहुत सारी जगहों से इसकी तरदीद आते हुए नजर आ रही है, भारत को मुंह की खानी पड़ रही है। सेनेटर जॉन मकेन जो कि अमरीका के सेनेटर हैं, उन्होंने आसिफ जरदारी को फोन पे क्या कहा और माजरा क्या है, इसके बारे में बात करूंगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि जॉन मकेन की बात करेंगे, तो भारत ये पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने लॉबियस्ट को इस बात पर बाकी लोगों को आमादा करने के लिए आगे बढ़ाए कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, लेकिन जॉन मकेन ने इस बात को क्लियर कर दिया। और बात किससे की, आसिफ जरदारी साहब से, कहते हैं कि ऐसी कोई लॉबी को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट मुल्क डिक्लेयर नहीं करने दिया जाएगा। अब आसिफ जरदारी साहब ने और जॉन मकेन साहब ने इससे पहले भी बात हो चुकी है, आपको याद होगा हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था, आखिर ये हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, ये पहले तो बात करना कि लॉबियस को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा भारतीय लॉबियस को, ये एक पॉजिटिव चीज तो है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब से क्यों नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत भी तो है, आसिफ जरदारी साहब के ऐसे क्या लिंक्स है जॉन मकेन से? मेरा ख्याल है ये उसमें जाति ताल्लुकात का एक अंसर मौजूद है, क्योंकि जॉन मकेन का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, और जो अमेरिका में इस वक्त सिलसिले चल रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी के कुछ लोग, रिपब्लिकन पार्टी जमात के तौर पर नहीं, तंजीमी तौर पर नहीं, कुछ लोग जो हैं वो इस किस्म का काम कर रहे हैं। मसलन अभी हलाली साहब ने पहली गुफ्तगू में अमेरिका के दो सेनेटर्स का जिक्र किया था, और वो वाकई उनका काम ही सिर्फ एक है, वो इंडिया लॉबी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका काम ये है कि कोई ना कोई शोशा पाकिस्तान के मतलब शुरू किया जाए, माजी में भी एक दो दफ़ा किया है। अब उन्होंने एक दो बंदों ने सिर्फ एक बिल को मूव किया है कि जी पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए, ये बात प्रोपेगेंडे के लिए तो ठीक है, प्रोपेगेंडा करने के लिए ही उन्होंने किया है, उनको मालूम है कि इस पॉइंट पे उनको अपनी पार्टी से ही सपोर्ट नहीं मिल सकेगी, चे जाए कि आप इस रेजोल्यूशन या इस बिल को पास करने की बात करें, लेकिन वो प्रोपेगेंडा माइलेज के लिए उन्होंने किया है। दूसरा एक और हिंदुस्तान कार्रवाई वहाँ कर रहा है कि हिंदुस्तान कम्यूनिटी के तावुन से, यानी वो हिंदुस्तानी जो कि अब सिटीजन हो गए हैं अमेरिका के, एक जो है सिग्नेचर कैंपेन, दस्तखत की कैंपेन शुरू की हुई है हुकूमत अमेरिका के लिए कि जनाब पाकिस्तान तो ये करता है वो करता है, उसके उसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। उनको ये मालूम नहीं है कि अगर वो दस्तखत पूरे कर भी लें तब भी ऐसा होना लाजिम नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगेन ये प्रोपेगेंडा कैंपेन है जो वहाँ की जा रही है, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। असल ज़रूरत इस बात की है कि जो मुतनाज़े अमूर हैं, जो तनाज़े की वजह बने हुए हैं जिससे हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा है, उनको आप एड्रेस कीजिए। एक सिर्फ ये तरीका कार है कि भारतीय चैनल्स पर, भारतीय अखबारों पे ऐसा सुर्खियां लग सके कि जी देखिए सेनेटर्स ने ऐसी बात की, अमरीकी सेनेटर्स ने, लेकिन हिलाली साहब बड़े अरसे बाद हमने भी तो कुछ लॉबियस्ट को हायर किया पाकिस्तान के लिए, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उनके कुछ कारकर्दगी के हवाले से कुछ चीजें सामने आई हैं? मुझे पता नहीं अगर इन्होंने किया है या किसको किया है, मगर इफेक्टिवली ऐसा लगता है कि इस वक्त तो सिर्फ पैसे खा रहे हैं जो हायरिंग के उनको मिला है। देखिए अनिका, ये जो मकेन ने कहा है इसका एक रीजन है, जाहिर है कि वो समझता भी है कि ही बिलीव्स व्हाट ही इज सेइंग, मगर साथ साथ ये ना भूलें, फौज ने मकेन को बुलाया,
इसलिए कि वो उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है, मैं नहीं कह रहा हूँ इसलिए बोल, अगर मैकेन इज एन इम्पोर्टेंट सेनेटर, एक्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और मैकेन को फौज ने अपने हेलीकॉप्टर्स में ठीक ठाक पूरा फाटा और रेगिस्तान में घुमाया, एंड मैकेन वेंट बैक ट्रिमेंडसली इम्प्रेस। ये पीआर तो फौज ने किया है, ये आपके कोई ये नहीं किया है, ये सिविल गवर्नमेंट ने नहीं किया है, ये आपके लॉबियस्ट ने नहीं किया है। और मैं समझता हूँ कंसंट्रेटेड ये होना चाहिए, फौज को बुलाना चाहिए, एक्स मिलिट्री पीपल जो इस वक्त कांग्रेस में हैं, बिठाएं हेलीकॉप्टर में, घुमाएं और बताएं कि हमने क्या कार्रवाई की है। इट इज रिमार्केबल हम कितने सक्सेसफुल रहे हैं जो और कोई नहीं रह चुका। तो मेरे ख्याल में मैकेन स्पीक्स फ्रॉम द हार्ट और हमारे लिए एक बहुत बड़ा फतह है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, जब बात करते हैं भारत के लॉबियस्ट की, तो कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत सर तोड़ कोशिशें कर रहा है, जितनी भी जो वेज हैं, तरीकेकार हैं, उनको अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां कश्मीरियों की हालत कुछ और बता रही है। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अभी जो कंडीशन है वो भी हमारे सामने, ये दुनिया से कैसे छुपेगी डॉक्टर साहब? देखिए, ये छुपाना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। शुरू में तो ये हुआ कि मगरबी मीडिया ने इस पर तवज्जो नहीं दी है, कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, कश्मीरी लीडरान से जो बदसलूकी की जा रही है, लेकिन अब मगरबी मीडिया इन चीज़ों को कवर कर रहा है, उसकी स्टोरीज़ जो हैं वहाँ के न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लिए ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है। क्योंकि जो बातें इस वक्त रेज़ की जा रही हैं, चाहे बलूचिस्तान की बात की जाए, चाहे पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात की जाए, मकसद सिर्फ ये है कि कश्मीर में जो जबर तशद्दुद हो रहा है और कश्मीर के रहनुमाओं से जो सलूक हो रहा है उसको किसी तरह छुपा दिया जाए, और पाकिस्तान जो है अपने दिफा के अंदर इस तरह लगा रहे कि वो कश्मीर का जिक्र छोड़ दे, कश्मीर की फिक्र छोड़ दे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जुल्म तशद्दुद जब एक लिमिट से आगे निकल जाता है तो फिर उसको छुपाया नहीं जा सकता, और इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई भी कोशिश की जाए, जुल्म की आवाज़ और जुल्म की जो असरात हैं वो हिंदुस्तान से बाहर निकलकर बैनुल अक्वामी सतह पर आ गए हैं, खासकर लीडरशिप के लिए बहुत क्राइसिस है इस वक्त। हिलाली साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, तमाम लोगों को अपनी तरफ कायल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही मैकेन जो बात कर रहे हैं, बाकी अमरीकी गवर्नमेंट जो बात कर रही है, कश्मीरी रहनुमाओं की कंडीशन जो चीज सामने आ रही है, उससे तो भारत का केस और वीकन होता चला जाएगा। ना सिर्फ वीकन हो रहा है, मैं आपको बता दूं, अगर खुदा ना खास्ता यासीन मलिक, जो सुना है 20 किलो उसका वेट कम हो गया है, और भी कमज़ोर हो जाए, या उसका इफ ही डाइज, तो मैं आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। कश्मीर तो इरप्ट करेगा, और मकबूजा कश्मीर तो इरप्ट करेगा, आज़ाद कश्मीर भी इरप्ट करेगा। बड़ा पॉपुलर आदमी है ना, इज अ ग्रेट हीरो। और साथ साथ मैं आपको ये कहूँ कि हमें फिर वी कांट रिमेन क्वाइट। हमें ये नहीं है कि एक डेलीगेशन भेज दें OIC पे, लोग कहेंगे हमें बदला चाहिए, इफ द सिचुएशन विल वर्सन। और ये इंडियंस ने इसे पहले इसको जहर देने की कोशिश तो की है, उसकी बेचारी विडो खुद बताई है टेलीविजन पे आके कि क्या क्या इन्होंने उसके साथ नहीं किया है। ये जो ऑक्यूपेशन है इंडिया का, देखिए इन द एंड लेट मी जस्ट से कि हम लोगों ने कभी एक इंतहा पसंद को इलेक्ट नहीं किया है, हिंदुस्तान ने एक टेररिस्ट को इलेक्ट किया है। ये सोचना चाहिए लोगों को दुनिया में कि हमारा और हिंदुस्तान में क्या फर्क है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके, नरेंद्र मोदी वो शिकार जिसको US का वीजा नहीं मिला करता था, इसलिए क्योंकि 1000 से ज्यादा मुसलमानों के कत्ल के अंदर ये शख्स मुलव्वज़ गुजरात के अंदर, और अब भी अपने प्रेसिडेंस को आगे लेकर चल रहा है, जिस तरीके से पहले कार्रवाइयां करता रहा, अब कश्मीर में वो बर्बरियत दिखा रहा है जो गुजरात के अंदर दिखाई थी। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का कत्ल नहीं कर रहा नरेंद्र मोदी, बल्कि फन का भी कत्ल किया जा रहा है, और इस कशीदगी की बढ़ोतरी की वजह से, जो कशीदगी नरेंद्र मोदी ने जन्म दी उसकी वजह से, अब पाकिस्तानी फनकार जो कि भारत में है वो ज़ेरे अताब हैं, वहां के राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तानी फनकार जितने भी हैं उनको किसी भी तरीके से ना काम करने दिया जाएगा, ना उनकी फिल्में रिलीज होने दी जाएंगी। इसके हवाले से सैयद नूर साहब, जाने माने डायरेक्टर है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत शुक्रिया सैयद नूर साहब ने हमारे साथ हमारे शो में ज्वाइन किया हमें। सैयद नूर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी फनकार फन को फरोग देने के लिए बाहर जाता है, वहां की
इकोनॉमिक फैक्टर के लिए भी पाकिस्तानी फनकार जो है एक पॉजिटिव चीज साबित होता है। और फिर राइट विंग जमातों की तरफ से ये बयान आ जाना कि पाकिस्तानी फनकारों को काम नहीं करने दिया जाएगा, हमारे यहाँ तो कभी ऐसा एटीट्यूड नहीं होता जब भारतीय फनकार आते हैं तो। जाहिर है जी, इसमें तो फर्क है ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी में। लेकिन ये है कि हमें अपने जो फनकारों की रिस्पेक्ट के लिए हमें जरूर आवाज उठानी चाहिए और जरूर हमें इसको रिएक्ट करना चाहिए। और उसका रिएक्शन यही है कि यहाँ पाकिस्तान में जो उनकी मूवीज चल रही हैं, टेलीविजन पे उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, उनका हमें बाइकआउट करना चाहिए कि अगर आप हमारे फनकारों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारे आर्टिस्टों को तो नहीं देखेंगे, तो हम भी आपको नहीं देखेंगे। एक सवाल यहाँ सैयद नूर साहब मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि क्या यहाँ पे जो है बहुत सी तंजीमें हैं जिसका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी कुछ ऐसी करारदादें मंजूर करें जिनमें उन पाकिस्तानियों के हकूक की हिफाजत की बात की जाए जो इस वक्त मुंबई के अंदर मुख्तलिफ किस्म की असाइनमेंट्स में हैं और उनके खिलाफ हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें करारदादें पास कर रही हैं। तो हमें क्या, सवाल ये है कि क्या हमें भी उसी तरह उन करारदादें मंजूर करनी चाहिए ताकि अपने उन आर्टिस्टों का तहफ़ मिले जो हिंदुस्तान में। जी डेफिनेटली, मैं हमें जो मैंने रिएक्शन की बात की है वो इसी तनाजर में की है कि हमें भी यहाँ रिएक्ट करना चाहिए और अपना अपने आर्टिस्टों के तहफ़ के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके लिए। अब ये तो कोई बात नहीं कि आपका आर्टिस्ट अपने मुल्क की पहचान, अपने मुल्क का वक़ार लेके वहाँ गया है और आप कहेंगे आप 24 घंटे में निकल जाएं, तो ये आर्टिस्टों को भी सोचना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं और किन लोगों में जा रहे हैं। और हमें भी सोचना चाहिए कि जी हमारी एक पहचान है, हमारा एक मुल्क के बड़े नाम हैं बच्चे जो वहाँ जो जाके काम कर रहे हैं, तो हमें रिएक्ट करना चाहिए। देखिए उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है कि जी ये जो पैसा कमाते हैं हिंदुस्तान से और वहाँ जाके टैक्स देते हैं, टैक्स से जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है पैसा। देखिए इस यहाँ पे एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि जो हमारे आर्टिस्ट वहाँ जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, क्या इसकी ये दो वजूहात हैं, एक तो ये है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं और दूसरा मुंबई के ज़रिए उनको एक बड़ा ऑडियंस मिल जाता है जिसकी वजह से वो जाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत इस सिलसिले में ज़्यादा तआवुन करे? ये तो 70 साल से हम क्वेश्चन कर रहे हैं जी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ये खुद रो पौधा है और कभी इसको सपोर्ट नहीं किया कभी। अब अगर यहाँ आर्टिस्टों को बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिले तो वो क्यों जाएंगे अपने मुल्क को छोड़, यहाँ है ही नहीं कुछ में और बड़े बड़े मुश्किल से अभी फिर सर्वाइवल की तरफ जा रही है इंडस्ट्री, रिवाइवल की तरफ जा रही है और कभी हुकूमत की तरफ से सपोर्ट नहीं। हालांकि फिल्म एक ऐसा मीडियम है जो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज सारी दुनिया में लेके जा सकता है। सही है, सैयद नूर साहब आप हमारे साथ रहिएगा। हिलारी साहब, ऐसे में वो आर्टिस्ट जो पाकिस्तान से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, भारत में काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, अपने भी डेफिनेटली अर्निंग कर रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए थ्रेट भी है, मसले मसाइल भी उन्हें बेयर करने पड़ रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए? आसान है कहना कि उनको जी बड़ा आसान है कहना उनके कि ये उनको नहीं जाना चाहिए, इधर रहना चाहिए, बड़ा आसान है कहना कि वो फॉगो करें अपॉर्चुनिटी अपनी प्रोफेशन और अपनी एक्टिंग को एक्सपैंड करने न्यू एक्सपीरियंसेस। और ये मानना पड़ेगा एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में, हम भी उनके फिल्म्स बैन कर सकते हैं, मैं तो खैर कभी फिल्म देखा ही नहीं हूँ इंडियन बगैर बैन कर सकते हैं, बट आई डोंट नो इफ दैट इज़ द आंसर। देखिए बात असल ये है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, उनके कोई इनिशिएटिव एंटरप्राइज है ही नहीं, मगर ईरान में इतना मुश्किल है फिल्म बनाना, ईरान में इतना मुश्किल है वो सेंसर को किसी चीज़ को राजी करना, मगर येट ईरानियंस कंटिन्यू टू मेक फिल्म्स
and they get top awards in international film shows. उधर जो मीटिंग्स होते हैं, कहने की बात ये है, यस ये बड़ा मुश्किल वक्त है. मुझे पर्सनली, मैं आई सिंपथाइज आर्टिस्ट जो होता है वो चाहता है कि वो उसका कैनवस मिले उसको, कि वो अपने आप का बनाए एंड अर्न हिमसेल्फ अ लिविंग. इधर नहीं होता है, इधर नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं ये बेहतर जानते हैं. जिस किस्म की हुकूमतें हमारे हैं वो उनको आप देख के से ओबेद चिनॉय तो इज अ मिरेकल. और ये जो आई है और एक दो और जो फिल्म्स बन रहे हैं वे आर वेरी गुड. मगर यस वी शुड एक्सपैंड, यस. मगर मेरा दूसरा एक हिस्सा है मेरे में जो कहता है यार ये इंडियन फिल्म्स को तो बैन करो, ये इतने पैसे हम बना के वाकई इन लोगों को दे रहे हैं और उधर से वो पैसे वो हथियार खरीद के बलोच रेबल्स को शायद दे रहे हैं. तो बिल्कुल सही है, बैन करो इनको. अगर आप बैन करेंगे वो आपके आर्टिस्ट को भी बैन कर देंगे. आई डोंट नो, आई एम रेडी फॉर अबाउट दिस. सैयद नूर साहब, वहां जाकर पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं आते हुए को पैसा सारा तो नहीं ले आते, टैक्स देते हैं इंडिया के अंदर, जो अर्न करते हैं उसके ऊपर टैक्स देकर आते हैं. आपको याद होगा कुछ अर्से पहले राहत फतेह अली खान साहब के हवाले से भी एक वाकया सामने आया था कि उनको जाने नहीं दिया था जब तक उन्होंने टैक्स नहीं दिया. तो सैयद नूर साहब, हम वहां जाकर जो कमाते हैं हमारे आर्टिस्ट वो उसके ऊपर टैक्स देते हैं, भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, कोई उसके खिलाफ बात नहीं करते, फिर उनसे ये डिमांड करना कि पाकिस्तान के खिलाफ जाकर वो वहां बयान दे, क्यों दे अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी बयान? नहीं, कोई अपने मुल्क का बाशिंदा जो है, अपने मुल्क का कैसे जो अपने जहाँ पैदा हुआ है, जो उसका मुल्क है, जो उसका वतन है, कैसे बयान देगा? ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए जाते हैं और जाके काम करते हैं. उसको सारी दुनिया में पाकिस्तानी जाते हैं, जाके काम करते हैं और वहाँ से पैसा कमा के लाते हैं. लेकिन मैं आपको बात बताता चलूँ यहाँ पे, ये बैन की जो बात कर रहे हैं सर जी, इनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिल्म तो आज भी बैन है. हिंदुस्तानी फिल्म आज कानूनी तौर पर पाकिस्तान में बैन है. ये गैर कानूनी तौर पर फिल्म चल रही है और हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पे नहीं चल रही, ये फॉरेन फिल्म कैटेगरी में चल रही है. ये धूल झोंकी जा रही है और ये दिल्ली कागजात बनते हैं और फिर जाके ये फिल्म रिलीज होती है. ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है जी, ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है. बिल्कुल अफसोस है ये. इसके माने मैं रहता हूँ ये क्रिमिनल या इधर को कोई कानून तो चलता ही नहीं है जी. ये किस किस्म की ये चालाकी दिखा रहे हैं कि इंडिया का बैन कर दो मगर फॉरेन फिल्म्स के हेडिंग कैसे निकाल. टेरिबल शॉक. ये तो अयूब खान साहब के जमाने में ये एक लॉ बना था, हिंदुस्तानी कंटेंट को बैन कर दिया गया था और आज भी बैन है. आज तक बैन है ये कहीं. और इंडियन मूवीज चल रही है, बिल्कुल सिनेमाओं में चल रही होती हैं. अस्करी साहब, आपका कमेंट. जी जी, मैं सिनेमा के अंदर खुली और ओपनली ये फिल्में चल रही होती हैं. असल में असल जो मसले का हल ये है कि हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो जो इंतहा पसंदाना रुझानात हैं, एक्सट्रीमिज्म वाली तंजीमें हैं, उनको रोके. क्योंकि जब अगर आर्टिस्ट मुंबई जाता है तो वो जाहिर है परमिशन से, वीज़े से, ज़रूरी कार्रवाई के बाद हिंदुस्तान जाके काम कर सकते हैं. उसके लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है. सही. सैयद नूर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका. डॉक्टर हसन अस्करी साहब, जफर हिलाली साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया. लेकिन भारतीय हिदायतकार या भारतीय प्रोड्यूसर्स ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी फनकारों को बुलाकर इकोनॉमिकली फायदा होता है तो हम क्यों ना बुलाएं. इवन वहां के बड़े जाने माने एक फिल्मी शख्सियत करण जौहर ये कहते हैं कि मैं तो फिर भी ये मूवीज बनाता रहूंगा और कल्चरल एक्सचेंज करता रहूंगा. अब देखना यह है कि भारत की जो सोसाइटी है वो कितनी इंतहा पसंद है कि कल्चरल एक्सचेंज को भी नहीं मानती. हमारे आज के शो से इतना ही. हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा. बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक पे, ट्विटर पे मौजूद हैं. अपना बहुत ख्याल रखिए. पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआगो रहिएगा. अल्लाह हाफिज़.